हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्रेजी कुक मास्टर में आपका स्वागत है। घर पर झटपट बनाए ब्रेड ऑमलेट जो बेहद आसान है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और घंटे के बटन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अंडे और ब्रेड ले ली है। और अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद मैंने अपने ये तवा रख दिया है और इसमें मैं डाल रहा हूँ देसी घी। आप चाहो तो ऑयल से भी बना सकते हो, लेकिन देसी घी से ब्रेड ऑमलेट बेहद टेस्टी लाजवाब बनती है। और मैं अपने गिलास में ले लिए हैं बारीक कटे हुए प्याज और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें। और हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालता हूँ अपना थोड़ा सा बारीक काट के टमाटर। आप टमाटर को चाहो तो स्किप कर सकते हो, आपको खाना पसंद हो तो आप डाल सकते हो दोस्तों, जो बेहद टेस्टी बनाता है ऑमलेट को। दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने अंडे को इसमें डालते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने फोड़ के और ये एक अंडा, ये देखो ये एक अंडा डाल दिया मैंने। अब हम दूसरे अंडे को लेंगे और इसी प्रकार फोड़ कर ऑमलेट के अंदर डाल देते हैं। ये देखो गिलास में डाल देते हैं, इससे बनाएंगे ऑमलेट। अब हम इसमें डालते हैं अपने स्वाद के अनुसार नमक और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची और थोड़ा सा ये अपना पिसा हुआ धनिया पाउडर। और टेस्ट को लाजवाब बेहतरीन बनाने के लिए मैजिक मैगी मसाला। दोस्तों, इससे क्या होता है, टेस्ट में ऑमलेट होती है ना, वो बेहद ही स्वादिष्ट लाजवाब बेहतरीन बनती है दोस्तों। एक बार आप भी ट्राई करना। और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेते हैं दोस्तों। ये देखो मैं अब इसको अच्छे से फेंट रहा हूँ, आप भी इसको अच्छे से फेंट के बनाना। जितना फेंटेंगे उतनी फिलोसफी आती है आमलेट के अंदर। ये देखो दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बनती है। ये हमारा तवे पे वो घी भी गर्म हो चुका है, तो हम अपने इस बैटर को डाल देते हैं तवे पे। ये देखो डालने के बाद क्या होता है दोस्तों, मैं इसको साइडों में फैला देता हूँ ताकि ये बीच से कच्ची ना रहे। देखो ऐसे करके अपन हम फैला लेते हैं। ये देखो ये ऐसे करके अपन ने फैला लिया है अपने इस बैटर को। अब हम डालते हैं इसमें अपनी ब्रेड डालेंगे। देखिए दोस्तों, फूल रहा है ना नीचे से, बेहद लाजवाब बनता है। तो इस प्रकार से मैं ऐसे करके चार ब्रेड को चारों कोनों में ऐसे ये किया, ऐसे फिर इसको ऐसे डुबोया इसमें बैटर में। ये ऐसे डुबो के ऐसे में ये चार ब्रेड को मैंने अपने चिपका दिए इसके। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, फ्लेम मीडियम रखना है ऑमलेट बनाते समय, क्योंकि मीडियम ऑमलेट, मीडियम फ्लेम से क्या होता है, ऑमलेट अच्छे से पक जाता है दोस्तों। फ्लेम तेज़ कर देंगे तो ऑमलेट कच्चा रह जाता है नीचे से। ये देखो हमारा ये सिक चुका है लगभग। अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखो सिक गया ना पूरा दोस्तों, यही तो लॉजिक होता है ऑमलेट बनाने में। ये देखो हमारा ऑमलेट बनकर तैयार है दोस्तों। ये देखो अब हम इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। ये सेकने के बाद बेहद ही क्रिस्पी लाजवाब बनता है और स्वादिष्ट तो बनेगा दोस्तों। आपको पता है क्या, एक तो आप रिफाइंड तेल में बनाओ और एक देसी घी में बनाओ, तो आपको फ़र्क तो पता ही होगा किस में अच्छा बनता है दोस्तों। अब हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं चारों साइड से ताकि ये कच्चा ना रहे, खाने में स्वादिष्ट लगे। ये देखो दोस्तों, ये हमारा ब्रेड ऑमलेट बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसको सेक के अच्छे से अब इसको उतार लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये ऑमलेट बेहद ही लाजवाब बनता है, सुबह का नाश्ता झटपट तैयार हो जाता है दोस्तों। मैंने काफ़ी संख्या में ऑमलेट बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।